अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज वकार खान कटक एंड यू आर वाचिंग लुकिस्तान। आज मैं आप लोगों के लिए आ गया हूं एक बेहतरीन बाइक। नाम है इसका स्टैलियन 400 सीसी ईएफआई वाटर कूल्ड। इस बाइक के अंदर इंजन आता है, ये जो ब्रांड है वो है ओवरड्राइव का। एज यू कैन सी इसके टैंक के ऊपर आप लोग देख सकते हो ओवरड्राइव। ओवरड्राइव पाकिस्तान में एक अच्छे नाम के साथ उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल लॉन्च की है और इन वर्षों मार्केट में 7 साल हो चुके हैं और माशाल्लाह से कंटिन्यूसली 7 साल के अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ लोग बाइक डिलीवर किए हैं। इस मॉडल का स्पेसिफिक नाम है DD400E। ये बाइक एज यू कैन सी बहुत ज्यादा क्रोम का काम इसके अंदर आप देख सकते हो, ये सारा आपको दिख रहा है। 400 सीसी पैरेलल ट्विन इसके अंदर इंजन जाता है, पैरेलल मींस डबल सिलेंडर इंजन और ईएफआई ट्विन इंजेक्शन के साथ इसका इंजन आता है। बाइक दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और जो क्रूजर की शौकीन उनको तो ये पता चल रहा होगा कि बाइक किस किस्म का बाइक है। फुल स्पोर्ट्स क्रूजर जिसे कहते हैं उसे की आपको उसके अंदर लुकाएगा। साइड में आपको ये बॉक्सेस दिख रहे हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री आपको इस बाइक के साथ मिलेंगे। बाइक का अगर हम फीचर्स की बात करें तो बाइक के अंदर जो टैंक है वो 18 लीटर का टैंक उन्होंने दिया हुआ है इसके अंदर। अगर जो मीटर की बात करें तो मीटर जो है इसके अंदर डिजिटल मीटर दिया गया है, एनालॉग मीटर नहीं है। आगे आपके सामने विंड स्क्रीन लगी हुई है, साइड मिरर्स की क्रोम में है और अगर हम फ्रंट टायर की बात कर लें तो फ्रंट टायर जो है वो अलॉय रिंग के साथ आ रहा है और सिंगल कैलिपर की है डिस्प्ले और काफ़ी थिक और हैवी डिस्प्ले लगा हुआ है। अगर चाहे हम अगले टायर की बात करें तो अगला टायर जो है उसका 110/90/16 का टायर है। अगर चाहे हम पिछले टायर की बात करें तो बाइक के अंदर पिछला टायर जो है काफ़ी छोटा टायर दिया गया है और पिछले डिस्प्ले भी दी गई है सिंगल पिस्टन कैलिबर के साथ और पिछला जो इनका टायर है वो 140/90/15 का टायर दिया गया है। अक्सर क्रूजर्स के अंदर 15 का टायर ही आता है, ज्यादातर रियर टायर जो होता है मोस्टली क्रूजर्स जितनी भी होती हैं। तो बाइक तो बहुत ही दिखने में प्यारी है। 2600 horsepower ये बाइक जनरेट करती है। टॉप स्पीड इसका 150 km/h है और इसके अलावा बाइक का हम बैठ के देखते हैं कि किस तरीके से पोस्चर आता है कि आपको आइडिया हो जाए कि पोस्चर किस किस्म का आता है इसमें। तो यह है इसका पोस्चर, बहुत मजे वाला फील आ रहा है और जो इसकी विंड है जो आपकी फेस पर डायरेक्टली विंड भी पड़ेगा, बहुत जबरदस्त किस्म का बाइक है माशाल्लाह से। चले बाइक को स्टार्ट भी करते हैं, आपको इसका साउंड भी सुनाता हूँ। एज यू कैन सी इसके अंदर साइलेंसर जो है वो डबल दिए गए हैं, एक इस साइड पे साइलेंसर है और एक उस साइड पे साइलेंसर। तो कलर जो है बात जो मजे की होती है प्लस का साउंड जो उतना बड़ा बना हालांकि इसमें फैक्ट्री फिटेड एग्जॉस्ट लगे हुए उसके बावजूद भी इसका साउंड बहुत क्लास का आएगा। लेट्स स्टार्ट द बाइक और देखते हैं कि किस से क्या इसका साउंड आता है। बहुत ही आउट क्लास माशाल्लाह से साउंड इसका आया है, हालांकि कस्टम मेड एग्जॉस्ट नहीं लगी हुई इसके अंदर, इसकी अपने जेन्युइन एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। जेन्युइन एग्जॉस्ट में होता है कि इतनी हाई डीबी भी आप लाइक नहीं इम्पोर्ट कर सकते, मगर बहुत ही क्लास का और मजे वाला साउंड है, कानों को मजा आ रहा था उसको सुनने में, बहुत मजे का साउंड था। बाइक आउटस्टैंडिंग है दिखने में, लुक्स के अंदर सिटिंग पोस्चर बहुत ही अच्छी है बाइक का। अगर आप ये बाइक लेना चाहते हैं तो आप ओवरड्राइव विजिट कर सकते हैं, 1D सनसेट बॉलीवुड DHE फेस 2 में इनका ऑफिस है, KA इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने, अल्तमश हॉस्पिटल बिल्कुल सामने है, DHE फेस 2 कराची में। अगर आप इनकी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं www.overdrive.pk विजिट कर सकते हैं और आप मुझे कॉन्टैक्ट करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात की जाए तो इस प्राइस जो प्राइस है 17,15,000 रुपये की ये बाइक आपको पड़ेगी इस वक्त जो आज के डेट में जो उसके प्राइस हैं और बहुत बेहतरीन बाइक है नो डाउट। इसके अलावा भी इनके पास बहुत सारी ब्रांड्स की बाइक्स मौजूद हैं, जैसे कि अगर अच्छे मैं आपको उसकी बात करूँ क्लासिक, देखने में तो आपको लग रही होगी क्लासिक वैसे ही क्लासिक पीस है, बहुत ही रेट्रो लुक है और बहुत ही इसी का सेम क्लासिक का स्पोर्ट्स मॉडल है। फिर इसी ब्रांड के अंदर इनके पास एक 6cc का जैकेट फेयरिंग के अंदर बाइक खड़ा हुआ है। उसके अलावा एज यू कैन सी
रैप्टर, माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट बाइक जो है वो रैप्टर है। बहुत ही क्लासिक चीज है रेड कलर में, और ये लास्ट यूनिट इस वक्त कराची के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान में लास्ट यूनिट अवेलेबल है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी। तो जिससे आपको लेनी हो तो ये आके बाइक ले सकते हैं, ये मेरी भी फेवरेट है। और जिन जिन कस्टमर्स ने लिए उनकी हमेशा पॉजिटिव रिव्यूज हैं। बेंटा कंपनी का नाम है, 300cc का ये बाइक है। वेट में इंजन इसके अंदर आता है EFI, वेल ड्राइव, ड्यूल चैनल ABS के साथ तमाम फीचर्स हैं जो कि न्यू बाइक्स के अंदर होते हैं। उसके अलावा से हम अगर रिव्यू कर चुके हैं, इन तमाम बाइक्स के रिव्यू हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक जो है वो आप यूट्यूब में नीचे मेंशन भी कर दूंगा, और प्लस आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके इन सब बाइक के रिव्यूज, इनकी स्पेसिफिकेशन और इनकी मोर डिटेल्स जो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और खतरनाक बाइक ये खराब है, इसका नाम है एक्वेला कुरियन। ये बाइक है GV650 Pro, एल ट्विन इंजन 650cc। और सबसे खास बात इस बाइक का ये कि बहुत ब्रूटल बाइक है, 72 हॉर्स पावर ये जनरेट करता है और 200 किलोमीटर पर आवर का इसका टॉप स्पीड है। तो क्रूजर्स के अंदर इतना टॉप स्पीड होना बहुत ही खतरनाक वाली बात होती है, पर ये बाइक उस टॉप को रीच करता है 650cc के अंदर। ये बाइक है एक्वेला कुरियन ब्रांड है। इन तमाम बाइक के रिव्यूज मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अगर जी आपको ये पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू फ्रेंड्स, और कोई कमेंट्स करके अपने थॉट शेयर कर सकते हो। वैसा किसी बाइक के रिव्यू जानना चाहते हो तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको लिखाई कर लेंगे। बाइक के रिव्यूज के अलावा रेस्टोरेंट के भी जाते हैं खाना वाना खाने के लिए। किसी रेस्टोरेंट के बारे में जानना चाहते हैं कराची के अंदर तो डू कमेंट भी, ताकि हम उस रेस्टोरेंट पर जाके रिव्यू करें उसका और आप लोगों को बताएं उसके बारे में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।